नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में कि कितने किलोमीटर की दौड़ होगी और उसके लिए कितना समय मिलेगा। इन सभी क्वेश्चनों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस के मेल कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में। जो राजस्थान पुलिस के मेल कांस्टेबल के फिजिकल में जो रेस होगी वो होगी 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की रेस होगी। अगर आप इस रेस को 20 मिनट या 20 मिनट से पहले क्लियर करते हो तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। जहाँ 20 मिनट से पहले या 20 मिनट में क्लियर करते हो तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप इस रेस को 20 मिनट से ज़्यादा या 22 मिनट से कम में क्लियर करते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप इस रेस को 22 मिनट से ज़्यादा या 25 मिनट से कम या पूरे 25 मिनट में क्लियर करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइवर के फिजिकल के बारे में। जो राजस्थान पुलिस में ड्राइवर की पोस्ट आई हुई हैं उनके फिजिकल के बारे में बात करते हैं। जो ड्राइवर की जो रेस होगी वो होगी 5 किलोमीटर की। अगर आप इस रेस को 20 मिनट या 20 मिनट से पहले क्लियर करते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप इस रेस को 20 मिनट से ज़्यादा या 22 मिनट में क्लियर करते हो तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप इस रेस को 22 मिनट से ज़्यादा या 25 मिनट से पहले क्लियर करते हो तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये है राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में और राजस्थान पुलिस के ड्राइवर के फिजिकल के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे साथ नहीं जुड़े, तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं और अपनी जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।